वेलकम टू मैथ क्लास एनेल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, मेरे पास फैक्टराइज है और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें फोर टर्म्स हैं। अच्छा, जब भी आपको फैक्टराइज करने को कहा जाए ना, क्वेश्चन हो फैक्टराइज करना है, ठीक है, तो करना आपने क्या, सबसे पहले ये देखते होते हैं कि कुछ ओवरऑल कॉमन आता है हमारे पास सारी टर्म में से जो हम कॉमन ले सकें। तो अगर आप सोच रहे हो टू लेने का, तो ये भी डिविजिबल बाय टू है, ये भी और ये भी, ये नहीं है तो टू कॉमन नहीं ले सकते। हमने ओवरऑल कॉमन वो ले सकते हैं जो कि सारी टर्म्स, जितनी भी टर्म्स हो उन सब में वो प्रेजेंट हो। वाई की अगर बात करें ना, तो वाई इधर है, इधर है, इधर है, इधर नहीं है। जेड की करें, इधर है, इधर है, इन दोनों में नहीं है, तो ओवरऑल तो कुछ कॉमन नहीं ले सकते। जब ओवरऑल कॉमन ही ना ले सकते हो, तो फिर देखते हैं, जब फोर टर्म्स है तो टू टू टर्म में से कॉमन ले लेते हैं। और अगर टू टू टर्म में से कॉमन लेने पर अगर ऐसा हो कि अगर हम यहाँ पर 5y कॉमन ले लें, बिकॉज ये भी डिविजिबल बाय 5 है और ये भी, और y इधर भी है, इधर भी है, ठीक है। इसी तरह z कॉमन अगर हम ले लें, इधर भी है, इधर भी है, और अगर हम 2 साथ में कॉमन ले लें, ये भी डिविजिबल बाय 2 है और ये भी, बात ये हो जाएगी फिर आपके पास यहाँ पर देखना। तो हम यहाँ पर पहले तो राइट करते हैं इसको, 5y² - 20y। इसको मैं अरेंज कर लूंगी, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि मैंने अरेंज क्यों करना है। 2y z को पहले राइट कर लेती हूँ और -8z को मैं बाद में राइट कर लेती हूँ, ठीक है। अभी पहले सुन लें, कुछ भी नहीं मैंने किया, इधर इधर ही आ गया। 2y z को पहले राइट कर दिया, 8z को बाद में कर दिया, कोई साइन नहीं चेंज करना, बिकॉज हम जो है इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर रहे, जो टर्म इधर से उधर लेके जा रहे हैं और साइन चेंज हो रहा है, जस्ट मैं इसको अरेंज कर रही हूँ, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है। अच्छा, करेंगे क्या, अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इन टू टर्म में से कॉमन लेंगे ना, तो क्या होगा, 5 हम कॉमन ले सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ये भी डिविजिबल बाय 5 और ये भी, 5 कॉमन ले लिया, और y कॉमन ले सकते हैं बिकॉज दोनों में y प्रेजेंट है। y² इसलिए नहीं ले सकते बिकॉज इधर है, इधर नहीं है y², ठीक है। हम कॉमन वो लेते हैं जो दोनों में हो, और जिसकी जैसे वेरिएबल की बात हो रही हो ना, तो जिसकी पावर कम हो, बिकॉज वो दोनों में है। जैसे आप y² की बात करें, इधर है, इधर तो नहीं है, इधर तो जस्ट y है, और y की बात करें तो इधर y है, इधर y² है, तो मतलब इधर y भी है। मैं कहना ये चाह रही हूँ, सामने ये याद रखना है, जब वेरिएबल कॉमन ले रही हो ना, तो जो सबसे छोटी वेरिएबल की कम पावर होती है वो ले लेते हैं। 5y ओवरऑल कॉमन ले लिया, जब 5 कॉमन ले लिया, y भी कॉमन ले लिया, एक y रह गया माइनस, और 5 कितने टाइम 20 होता है, 4 टाइम, और y कॉमन आ गया तो इधर कुछ नहीं रह जाएगा प्लस। अब जो साइन इधर है वो इधर राइट कर लें, इन दोनों में से कॉमन 2 है, तो बताया कि वो कॉमन आ सकता है बिकॉज डिविजिबल बाय 2 है, ये भी डिविजिबल बाय 2 है, और साथ में z इधर भी है, इधर भी है, तो z कॉमन ले लेते हैं। 2z मैंने ओवरऑल इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया, जब इस टर्म में से 2 और z कॉमन आ गया, तो पीछे क्या रह गया, y रह गया माइनस, 2 कॉमन ले लिया, 2 कितने टाइम 8 होता है, 4 टाइम, और z कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में सेम आ गया, इसका मतलब है बिल्कुल करेक्ट है, और साइन यहाँ पर y है तो इधर भी y, इधर 4 है तो इधर भी 4 है, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस है। साइन और या कुछ भी चेंज आ रहा है ना ब्रैकेट में, सेम नहीं आ रहा, तो अगेन चेक करो कोई मिस्टेक तो नहीं की। फिर क्या करना है कि इन दोनों को ज्वाइन करके एक ब्रैकेट में राइट कर लेना है, 5y + 2y को, 2z को सॉरी, और ये दोनों सेम है तो इसको वन टाइम राइट कर देना है। अब सुनो, मैंने क्यों कहा था अरेंज करना है, बिकॉज देखो अगर मैं अरेंज के बगैर करती ना, यहाँ पर मैं इधर आपको करके दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल सही है। अगर मैं अरेंज के बगैर करती ना, तो मैं ये कह रही हूँ कि 5y मैंने ओवरऑल कॉमन लेना है इन टू टर्म में से, ठीक है। 5y मैंने कॉमन ले लिया, जब मैंने 5y कॉमन ले लिया, क्या रह गया, 5y कॉमन आ गया, y रह गया माइनस, 5y कॉमन आ गया तो 4 रह गया जस्ट। और इधर बात करूँ तो फिर मेरे पास इधर माइनस आना था, एक ही बात होगी, ठीक है, क्योंकि बिकॉज इधर साइन माइनस का वो आ गया, वो भी इशू नहीं है। आगे देखिए, आगे ये हो गया कि इनमें से मैं z कॉमन ले सकती थी, और 2z, जब मैंने 2z कॉमन ले लिया, तो 2 कितने टाइम 8 होता है, 4 टाइम, z तो कॉमन आ गया, बाय माइनस से साइन, अंदर साइन चेंज होके प्लस से माइनस हो गया, और 2z कॉमन आ गया तो जस्ट y रह गया। अब इधर y माइनस 4 है, इधर 4 माइनस y है, तो ये दो अलग अलग वो हो जाएगी आपके पास, साथ 4 का माइनस, इधर 4 का माइनस, नहीं तो y के साथ, तो इसलिए ये सेम नहीं बनेगा। आप किस तरह से करोगे, तो इसलिए बेटर ये है कि आप पहले अरेंज कर लो, इस तरह की कंडीशन में आप नहीं जाओगे, ठीक है। आपने क्या करना है, अरेंज कर लेना, बस लास्ट टर्म को पहले राइट कर लेना, और ये जो है इसको लास्ट पर पहुंचा देना, बस इन दोनों को जो है जगह इनकी चेंज किया हम लोगों ने, और तो कुछ भी नहीं किया, स्विच की।
ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको करके दिखा दिया, अगर आप डायरेक्ट करते हो तो फिर आपके पास ये थोड़ा सा मसला आएगा। तो होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और क्वेश्चन देखना चाहते हो, फैक्टराइज द फॉलोइंग के नेम से मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी, डिफरेंट मैंने फैक्टराइजेशन पे वीडियोज बनाई हुई है। होप सो अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।